आजकल जब क्लेम कर हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा कर, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, और उसी में कई गो बेटी को दुगो बेटा को सबको लगा कर। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं। क्या बोले चाचा जी के लिए, क्या बोले हैं? अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम। शाम पे घर से निकलता था, हम भी कभी निकलते थे जाते थे, एमपी थे, केंद्र में भी थे, और अपने इलाके में या पार्टी के तरफ से या कोई भी हमको कहीं बुलाता था जाते थे तो देखते थे शाम होते होते एक आदमी नहीं रहता था, एक आदमी को हिम्मत नहीं पड़ती थी शाम में बाहर निकलने के लिए। अब क्या हाल था याद करिए। अब आजकल आप सोचिए कि कितना देर तक, काफी देर तक पुरुष हो स्त्री हो बच्चे हो बच्चियां हो सब घूमते हैं खूब टहलते हैं। अब हम जब देख रहे हैं कि बच्चा कैसे सीधे बैठा हुआ है ऊपर में, हम सब देख रहे हैं, पहले कोई बच्चा से कहीं दिखता था जी, कहीं कोई काम करते कहीं रखते कहीं दिखते नहीं दिखता था। हम तो जब एमपी थे अपने इलाके में जब जाते थे तो जाने का कोई रास्ता रहता था, हम पैदल चलते थे एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, तो ये हालत था पहले। लेकिन आजकल जब क्लेम करते हैं हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा कर, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को बाल बच्चा, लेकिन उतना किया, और उसी में कई गो बेटी को दुगो बेटा को सबको लगा कर। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात आप भूल जाते हैं, इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता था। आपने फिर से आपके परिवार पर अटैक किया, कहा है इतने ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, सब लोग आप अपने परिवार में ही रख रहे हैं, बेटी को दे रहे हैं, बेटे को दे रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या बोले चाचा जी के लिए, क्या बोले? तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोले इस पे। नहीं, मंच से उन्होंने ये बात आज कही है, इस तरह का बोलना चाहिए। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। एक तरह से परिवारवाद पर अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। एक तो बीजेपी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर करने से उनको रोक दिया है, ये उनकी अलग पीड़ा है, और जनता के आक्रोश का प्रकटीकरण उन्होंने कल मतदान में देखा है, हार निश्चित दिख रही है, इसलिए बौखलाहट में घबराहट में वो तिलमिला रहे हैं, और आदरणीय लालू प्रसाद जी पर निजी हमले कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के पास वो चलकर आए थे, कह रहे थे कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ रही है, बर्बाद कर देगी, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उन्हें छोटा भाई समझ के माफ किया था और साथ आए थे। 2020 में भी इसी तरह की भाषा आदरणीय नीतीश कुमार जी बोल रहे थे, इस तरह की ओछी सियासत नहीं होनी चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं और जनता सब चीज का जवाब देगी समय पर। ये सबको पता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास अब राजनीतिक जमीन नहीं बची है, इसलिए उनकी पीड़ा है, वो बौखलाहट में हैं और ये निजी हमले आदरणीय लालू प्रसाद जी पर कर रहे हैं।